बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी बी ट्रू न्यूज़ HD। मैं हूँ आपका मेज़बान मुनीब आलम गिलगिती, आप तमाम को खुश आमदीद कहते हैं जी। तो नाजरीन, आज हम मौजूद है नपुरा जागीर बसीन नूर कॉलोनी में। नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्म लगा हुआ, इसका तकरीबन 2-3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से इस पर कोई काम नहीं हुआ है। बिजली की कासिर की वजह, बिजली ना होने की वजह से इलाके के मकिन को शदीद तकलीफ़ है और कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि यहाँ के इलाके के लोग बिजली ना होने की वजह से घर में मोटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लोग पानी लेने के लिए दरिया के किनारे पर आ जाते हैं, जो कि कई वक्त किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकते हैं। जी तो नाजरीन, जानते हैं इलाके के मकीन से कि इनको इस हवाले से क्या तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो जी भाई, यहाँ तकरीबन ये चौथा महीना है ये ट्रांसफार्म लगा हुआ है और महकमा बरकियात वालों की कोई यहाँ पे तवज्जो नहीं है और आवाम बड़ी मसाइल में फंसी हुई है। वहाँ न पानी का मोटर चल रहा है, सिर्फ 1 घंटा लाइट होती है और बड़ा लोड शेडिंग है, बड़ा मसला है। यहाँ पे गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए, बड़ी मेहरबानी। तो इसी हवाले से आप गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस बिजली के कासिर की वजह से? मैं गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहूँगा कि यहाँ के जितने लोग हैं सब गरीब लोग हैं, बाहर सूरत इस बिजली को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। ये लगा हुआ है, बिजली नहीं लगा रहे। जी तो बेहद शुक्रिया नाजरीन, आपने सुने इलाके के मकीन की मुश्किलात को। इसी के साथ साथ मैं गिलगित गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए और इलाके के मकीन को इसकी सहूलत से इस्तेफादा हासिल हो। जी तो नाजरीन, मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। अपने मेज़बान मुनीब आलम गिलगिती और कैमरामैन अहमद बाबू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।